सुपर ट्रैक्टर रोबोट सेव्स मैजिकल ट्रेन। माधव मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। तब माधव परेशान होकर गांव वापस आ जाता है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे माधव, मैंने तुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और तू है कि गांव वापस आ गया। देख बेटा, तू मेरी मेहनत यूं पानी में मत मिला। पिताजी, शहर में मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, पर वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गांव जाकर गांव की तरक्की के लिए कुछ करूं। अरे बेटा, गांव की तरक्की कभी नहीं हो सकती। अंग्रेजों ने बनाई हुई ट्रेन पटरी है, पर अब तक कोई भी ट्रेन यहां से आज तक नहीं गई। गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। इस गांव का कुछ नहीं हो सकता बेटा, इसलिए कहता हूं कि तुम शहर वापस चले जाओ। यो पिताजी माधव को समझाने की कोशिश करते हैं, पर माधव भी अपने जिद पर अड़ा रहता है। माधव गांव के बाहर से जाने वाली ट्रेन पटरी को देखता है, तब वो सोचता है, अगर गांव से ट्रेन शुरू हो गई तो गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा, गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए शहर आना जाना कर सकेंगे और धीरे धीरे गांव की तरक्की भी हो जाएगी। अब तो मुझे कुछ भी करके इस पटरी को शुरू करना ही होगा। तब माधव अपना ये सुझाव लेकर गांव के बड़े लोगों के पास जाता है और उनसे पैसों की मदद मांगता है, लेकिन गांव के लोग थे कि माधव का ही मजाक उड़ाकर उसे पैसे देने से मना करते हैं। गांव का सरपंच भी माधव के ही खिलाफ हो जाता है। माधव का इरादा अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब एक दिन की बात है, रात का समय था, अचानक से आसमान से बड़ी तेज आवाज के साथ माधव के घर के आंगन में एक बड़ी सी चीज गिर जाती है। तेज आवाज की वजह से माधव जाग जाता है और वो बाहर आकर देखता है, तब उसे धुआं ही धुआं दिखाई देता है। लेकिन जब धुआं कम हो जाता है तब वो ठीक से देखता है, अरे ये तो कुछ इंजन जैसी चीज है, पर ये यहां कैसे आकर गिरी? कहां से आया होगा ये इंजन? माधव अच्छे से उस इंजन को देख लेता है, तब उस इंजन से एक आवाज आती है, हेलो माधव, मैं एक एलियन मशीन हूँ। मैं धरती पर आ रहा था, पर बीच में मेरे इंजन में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया, जिस वजह से उसमें आग लग गई और मैं यहाँ आकर गिरा। देखो, कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरीके से खराब हो सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे रिपेयर कर दो और मुझे किसी मशीन में डालकर इस्तेमाल करो। इस तरह कुछ ही देर के बाद उसकी आवाज बंद हो जाती है। ये सब सुनकर तो माधव सोचते ही रहता है, तभी उसे एक सुझाव आता है और वो सोचता है, हाँ ये ठीक रहेगा, अब मैं इस एलियन मशीन को इस्तेमाल करके एक ट्रेन बनाता हूँ और सरकार की मदद से ट्रेन का काम शुरू करता हूँ। अब मुझे इस गांव के किसी भी अमीर आदमी तक जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सोचकर माधव अपने पिताजी से कहकर अपना खेत गिरवी रखता है और बड़ी ही मेहनत से वो ट्रेन बनाता है और उस ट्रेन के इंजन में उस एलियन मशीन को जोड़ देता है। कुछ ही दिनों में उसे सरकार से अनुमति भी मिल जाती है और गांव से शहर के लिए ट्रेन शुरू हो जाती है। जादुई इंजन होने की वजह से वो ट्रेन बड़ी ही तेजी से शहर जाती है। इस तरह माधव का खूब नाम होता है, गांव में माधव का बड़ा सम्मान किया जाता है। तब माधव गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, ये तो बस शुरुआत है, अब तो मैं इस गांव को कामयाबी की बुलंदी तक लेकर जाऊंगा। गांव में एक एक करके सारी सुविधाएं लेकर आऊंगा, मैं मेरे गांव को एक शहर के जैसे बनाऊंगा। माधव की ये बात सुनकर सारे गांव वाले तालियां बजाते हैं। लेकिन गांव में मदन नाम का आदमी था जो बड़ा ही अमीर था। वो माधव की तारीफ करने की बजाय, उससे सहमत होने की बजाय, उसे माधव की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो माधव से जलने लगता है और वो सोचता है, अरे आज ये गरीब माधव मेरी बराबरी करने जा रहा है, इसकी वजह से सारे गांव वालों का ध्यान हट गया है मेरी तरफ से। ऐसा ही रहा तो गांव वालों के सामने मेरी क्या अहमियत रह जाएगी? वैसे भी अमीर लोग ही गरीबों पर हुकूमत कर सकते हैं, वो हमारी बराबरी कर ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर मदन माधव को बर्बाद करने की ठान लेता है। उधर माधव की वजह से गांव से शहर ट्रेन जाने लगती है
जिस वजह से गांव वाले भी बहुत खुश थे। माधव ने बनाई हुई ट्रेन भी कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, वो एक तेजी से चलने वाली जादुई ट्रेन थी। माधव ने ट्रेन चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा था, लेकिन मदन इसी सोच में रहता है कि कैसे वो माधव को बर्बाद करे, कि तभी वहां उसका एक भाई संतोष आता है और वो कहता है, अरे भैया आपका काम हो ही गया समझो, आज उस माधव की ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, लोग एक्सीडेंट से तड़प तड़प के मारे जाएंगे और हम इसका सारा इल्जाम माधव पर लगा देंगे। अरे पर ये सब कैसे होगा, क्या तुमने कुछ सोचा भी है? भैया मैंने ट्रेन के इंजन में खराबी लाकर रखी है, बस अब देखते रहो भैया, तुम्हारा दुश्मन अब कहीं का नहीं रहेगा। ये सुनकर वो दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर ट्रेन शुरू हो जाती है, थोड़ी ही देर में अपनी तेजी को पकड़ लेती है। इधर मदन और संतोष ट्रेन के एक्सीडेंट की खबर सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। ट्रेन एक स्टॉप पर रुकने ही वाली थी, लेकिन वो रुकती ही नहीं। अचानक से ट्रेन और भी तेजी से भागने लगती है। ड्राइवर तेजी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। तब ड्राइवर माधव को फोन करता है। अरे माधव माधव, लगता है ट्रेन के इंजन में कोई खराबी आई है, ट्रेन रुक ही नहीं रही। माधव तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या इस ट्रेन को रोकने का? ये सब सुनकर वो भी घबरा जाता है। उधर पटरी पर कुछ जानवर आ जाते हैं। अब तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ये चमत्कार देखकर ड्राइवर चकित हो जाता है। वो माधव को फोन करके सारी बात बताता है। माधव अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब चेक कर लिया, ट्रेन में कोई खराबी नहीं है। तब माधव भी राहत की सांस लेता है और वो सोचता है, यह सब उस जादुई इंजन की वजह से हुआ है, मेरी ट्रेन सच में एक जादुई ट्रेन से कम नहीं है, पर किसने इंजन में छेड़खानी की थी, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। उधर मदन ये सब सुनकर संतोष पर चिल्लाने लगता है। तब संतोष कहता है, अरे पर भैया मैंने सारा इंतजाम किया था उस ट्रेन का एक्सीडेंट करने का, लेकिन पता नहीं वो ट्रेन कैसे रुक गई और ये सब कैसे हुआ। अब मैं ही कुछ करूंगा, तू बस देखते रहे, कैसे भी करके उस ट्रेन को बर्बाद कर दूंगा मैं। तब माधव अपने गांव में ही एक सुपर ट्रैक्टर रोबोट बनाने लगता है, जो कि गांव वालों के हर किसी काम में मदद कर सके। उधर मदन भी ट्रेन को बर्बाद करने के लिए एक रोबोट का इंतजाम करता है। तब वो सोचता है, अब मेरा ये रोबोट उस ट्रेन को खाक में मिला देगा। दूसरे दिन से ही ट्रेन अपने समय से चल रही थी, पर तभी रोबोट ट्रेन के सामने आ जाता है। रोबोट ट्रेन पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां सुपर ट्रैक्टर रोबोट आ जाता है। वो ट्रैक्टर रोबोट मदन के रोबोट को पटरी से ही बाजू में कर लेता है। उन दोनों रोबोट के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेन तो हमले से बच जाती है। रोबोट की लड़ाई शुरू थी कि तभी वहां मदन और माधव भी आ जाते हैं। तब माधव मदन से कहता है, अच्छा तो यह सब तुम्हारा किया धरा है मदन, मुझे तो पहले ही शक हुआ था जब इंजन में खराबी आई थी, तुम्हारा भाई ही है जो इतना पढ़ा लिखा है, उसी ने और तुमने मिलकर यह सब कुछ किया होगा, लेकिन अपनी पढ़ाई का अच्छे कामों के इस्तेमाल करने की बजाय तुम यू किसी को बर्बाद कैसे कर सकते हो। अरे तू ये कैसे कह सकता है कि इन सब में हम दोनों भाइयों का हाथ है, देख हम पर यह झूठा इल्जाम मत डाल। अरे मैंने तुम पर नजर रखी थी और हाँ, ये सुपर ट्रैक्टर रोबोट मैंने इसीलिए बनवाया था ताकि तुम्हारे रोबोट को रोक सकूं, समझे। इस तरह मदन की भी बोलती बंद हो जाती है। सुपर ट्रैक्टर रोबोट मदन के रोबोट को खाक में मिला देता है। वो रोबोट अब मदन को भी मारने जाता है, पर तभी मदन अपना गुनाह कबूल करके माफी मांगने लगता है। मदन और उसके भाई को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उस दिन के बाद से कोई भी जादुई ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। सुपर ट्रैक्टर रोबोट गांव में रहकर गांव वालों की हर कामों में मदद करने लगता है। इस तरह से गांव की तरक्की शुरू हो जाती है और गांव में खुशियां छा जाती है। जादुई किंग कॉन्ग वर्सेस जेसीबी रोबोट। एक बार की बात है, सोनू अपने दोस्त मोनू के साथ जंगल घूमने जाता है।
जंगल की सैर करते करते वो दोनों काफी अंदर तक चले जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते ही चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भागो राक्षस। दोनों भागते रहते हैं और उनके पीछे एक राक्षस होता है। भागते भागते सोनू पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। मोनू उसे उठाने जाता है। तब सोनू कहता है, मोनू जल्दी से जाकर मेरे पापा को राक्षस के बारे में बताओ, वही इस राक्षस को मार सकते हैं। जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करना। मोनू सोनू को छोड़कर गांव की तरफ भाग जाता है। वो सीधे सोनू के पापा हरीश के पास जाता है। हरीश एक साइंटिस्ट था और उसके पास एक जेसीबी रोबोट भी था। मोनू हरीश को सारी बात बता देता है। तब हरीश अपना जेसीबी रोबोट लेकर जंगल की ओर बढ़ता है। उधर राक्षस सोनू के पास आता है, जहां सोनू राक्षस को चकमा देते रहता है, लेकिन आखिरकार एक जगह पर वो राक्षस सोनू को पकड़ ही लेता है। तब सोनू उससे कहता है, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पापा जल्दी आओ। वो राक्षस सोनू को निगलने ही वाला था कि तभी कहीं से अचानक वहां एक जादुई किंग कॉन्ग आ जाता है। वो जादुई किंग कॉन्ग सोनू को राक्षस से बचा लेता है, लेकिन इस वजह से उस राक्षस को बड़ा गुस्सा आता है और वो जादुई किंग कॉन्ग से लड़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में राक्षस घायल हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। सोनू तब किंग कॉन्ग का धन्यवाद करता है। उसके बाद वो किंग कॉन्ग भी कहीं चला जाता है। तभी वहां हरीश अपना जेसीबी रोबोट लेकर आता है और सोनू को देखकर वो कहता है, मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? मैं एक पल के लिए घबरा ही गया था। आखिर वो राक्षस कहाँ है? पापा, जादुई किंग कॉन्ग ने उस राक्षस से लड़ाई करके भगा दिया। आपको जल्दी आना था। जादुई किंग कॉन्ग को देखकर आप भी खुश हो जाते। सोनू को सही सलामत पाकर हरीश चैन की सांस लेता है और उसे लेकर वो घर वापस आता है। लेकिन हरीश के मन में जादुई किंग कॉन्ग की बात ही चल रही थी। वो सोचता है, मैंने भी कई बार जादुई किंग कॉन्ग के बारे में सुना था। काश मैं जल्दी आता तो उसे देख पाता। उस किंग कॉन्ग का ब्लड सैंपल मिल जाए तो मैं उससे कई सारे जादुई किंग कॉन्ग बना सकता हूँ। इस तरह हरीश अपने मतलब के लिए किंग कॉन्ग को पकड़ने का प्लान बनाता है। एक दिन वो सोनू से कहता है, अरे सोनू, बहुत दिन हो गए बेटा तुम घर पर ही हो। तुम एक काम करो, मेरा ये जेसीबी रोबोट लेकर जंगल घूम कर आ जाओ। पापा की बात को मानते हुए सोनू जेसीबी रोबोट लेकर जंगल जाता है, जहां हरीश भी चुपके से उसके पीछे पीछे जाता है। जंगल में जाते ही हरीश अपने जेसीबी रोबोट के प्रोग्राम में छेड़खानी कर देता है, जिस वजह से जेसीबी रोबोट अपने आपे से बाहर हो जाता है और वो आसपास के पेड़ उखाड़ने लगता है। उसका ये रूप देखकर सोनू कहता है, अरे इस जेसीबी रोबोट को क्या हुआ? अभी तक तो ठीक था। बाप रे, ये तो अब मेरी तरफ ही आ रहा है, अब क्या करूं? तब सोनू डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन उधर छुपकर बैठा हरीश ये सब दूर से ही देखता रहता है। वो सोनू को बचाने की बजाय किंग कॉन्ग का इंतजार करता रहता है और मन ही मन सोचता है, अब वो जादुई किंग कॉन्ग सोनू को बचाने जरूर आएगा, तभी मैं इस किंग कॉन्ग का ब्लड सैंपल ले लूंगा। हरीश अपने मतलब के लिए अपने बच्चे का ही इस्तेमाल कर रहा था। उधर जेसीबी रोबोट से बचकर सोनू भाग रहा था कि तभी वहां जादुई किंग कॉन्ग आता है, जिसे देखकर हरीश और भी ज्यादा खुश हो जाता है। देखते ही देखते किंग कॉन्ग और जेसीबी रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ाई के बीच बचते बचाते हरीश किंग कॉन्ग के पास आता है और उस पर बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। तब सोनू हरीश को यह सब करते हुए देखकर उसके पास जाता है और कहता है, पापा आपने अपने मतलब के लिए ये सब किया? मैं आपका प्लान जान गया हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। जिसने आपके बेटे की जान बचाई, आपको तो उसकी कदर ही नहीं है। मुझे आपको अपना पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है।
आपसे तो ये पराया किंग कॉन्ग अच्छा है जो मेरी पुकार सुनकर आया, लेकिन आप तो छुपकर सब देखते रह गए। सोनू की बातों से हरीश को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन तब तक किंग कॉन्ग जेसीबी रोबोट को तोड़ फोड़ कर रख देता है और वहां से गायब हो जाता है। हरीश को भी अपनी गलती महसूस होती है और वो सोनू से माफी मांगता है, लेकिन तब तक हरीश का जेसीबी रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वो दोनों उसे वही छोड़कर वापस घर चले जाते हैं और हरीश सोनू से वादा करता है कि वो इस तरह की गलती आगे दोबारा कभी नहीं करेगा।